रवि, मैंने तुझे यहाँ पे मदद करने के लिए बुलाया था और तू यहाँ पे भी लड़कियों के साथ लगा हुआ है। रिलैक्स भाई, रिलैक्स, आप क्या काम कर रहा हूँ मैं? देखो ये देखो, ये हेलो जी, बस कुछ ही देर में सारे टैंक सूख जाएंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर तूने ये सब इतनी जल्दी किया कैसे? बिजनेस भाई, प्योरली बिजनेस। मैंने उस लड़की से कहा कि अपनी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लाइटिंग उसकी होगी और बदले में वो अपने फंक्शंस के हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको रेकमेंड करेगी। सिंपल माल कर दिया यार तुमने। वो सब तो ठीक है, पहले तो मुझे एक बात बता, ये टेंट तो सूख जाएंगे मगर ये जो हेलोजन लगी हुई है, इनके बिजली के बिल जो आएंगे उनका क्या करेंगे? इसने आपका नुकसान भरने से मना कर दिया, उसी का ग्रांट यूज करेंगे। और ये जो हेलोजन है इनकी पेमेंट क्या करेंगे? 3 days। छोटे भाई को कुछ टिप्स दे दो भैया। नेक्स्ट टाइम छोटे, क्या ना, क्या भी लेट हो रहा हूं मैं, रुक रहा हूं क्या? हेलो सर। नो सर, ये मेरी नहीं है। आओ। तो मैं सच कह रही हूँ, ये चिट मेरी नहीं है। बात नहीं है। तो प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए। आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किलों से एग्जाम दे पा रही हूँ, तो मेरे लिए एग्जाम देना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी, मेरे दादू का सपना सब अधूरा रह जाएगा सर, प्लीज। सच में ये चिट मेरी नहीं है। आप चाहे तो मेरी राइटिंग मैच करके देख लीजिए, इसलिए मेरी राइटिंग भी नहीं है सर, प्लीज। इस हैंडराइटिंग को सबकी हैंडराइटिंग से चेक करते हैं। सपोर्ट करूंगा, यूथ लीडर हूं, गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करता मैं। जान दीजिए सर, पास कर दो सर। अरे मैं ऐसे कैसे पास कर सकता हूं? गलत, गलत किया सर। अरे सर को एक बार मेरा नाम ले लिया होता, सर तुझे क्वेश्चन पेपर देते, घर बैठ के अच्छे से रट्टा मारता, यहां आके अच्छे से लिख लेता, तेरे लिए भी आसानी हो जाते, मेरे लिए भी। क्या जाता तेरा? हाँ सर, इसकी शराफत देखिए, ये मुझे जानता है, जानता है कि मैं यूथ लीडर हूँ, इसके बाप के साथ मेरे अच्छे संबंध भी है, फिर भी मेरा नाम नहीं लिया। क्या कर रहा था तू? अगर मेरा नाम लेता तो ये नौबत आती कभी? आप उसे चीटिंग करने देते ना, पेपर दे देते उसे, देते ना सर। और मैं ऐसे कैसे? जान दीजिए सर, कुछ और बात करते। सर आपने बताया नहीं कि भाभी और आपकी बच्ची मेरठ वाली ट्रेन से आ रहे हैं? गलत बात है ना सर, आपको बताना चाहिए ना। आपको पता है कि सर जमाना कितना खराब है, क्या हो रहा है आजकल? नहीं सर, टेंशन मत लीजिए, अभी इत्तेफाकन उसी ट्रेन में मेरे कुछ बंदे ट्रैवल कर, हम ये राउडी किस्म के लोग हैं और बात बात पर औरतों को छेड़ते हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं, असल से पैदल है ना हम लोग। अरे सर अब डरिए नहीं सर, मैं हूं ना सर, अभी उन्हें फोन लगाता हूँ, मेरी बार कभी नहीं डालते हूँ, उसे कहूंगा कि भाभी और बच्ची का अच्छे से ख्याल रखें और घर तक सही सलामत पहुंचे। अरे मैंने यहाँ क्या करो? क्या सर? पास कर देंगे तुझे। असन आने वाले पेपर सर से ले लेना, अच्छे से रट्टा मारना और अच्छे से लिखना, नाक मत कटाना अपनी, जा। चलिए सर मैं भी चलता हूँ, कुछ काम हो तो याद रखना। जय माता दी। सर क्या साला, वो तो एकदम से चूहा बन के घूम रहा था।
एक्सक्यूज मी, सॉरी वो गलती से हो गया, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तुम लड़के कभी किसी से पर्सनल हो भी नहीं सकते, गलती करो और बस सॉरी बोल के वहां से निकल जाओ। तुमने भी यही किया, बिना ये जाने बिना ये सोचे कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी जिंदगी स्पॉइल हो सकती थी आज। लेकिन आई एम श्योर तुमने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा, और तुम समझोगे भी ना। तो क्या है ना, आज तक तुम्हें कभी किसी ने समझाया ही नहीं होगा। लड़के हो ना, हर चीज बिना मांगे ही मिल जाती है। वो तो हम लड़के हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी लड़ना पड़ता है, मांगना पड़ता है। तुम लड़कों का क्या है, बस गलती करो और बड़े मजे से वहां से निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर इस चीटिंग के बारे में जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो उन्हें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उंगलियां तो हम लड़कियों पर उठाई जाती है, लड़कों पर नहीं। कौन है करारी कुड़ी? यानी कौन सी ऐसी बोल के चली गई? चीटिंग शीटिंग में तो बहुत ध्यान रहता तेरा, इन सब चीजों में नहीं है? पता कर कौन है। मोबाइल लाइटें शाइटें जरा बढ़ाओ, रौनक चौनक जरा अच्छी होनी चाहिए। अरे बेबे अब तो दे दो। क्या? अरे बेबे क्या नहीं, बेबे पैसे। बेबे ध्यान है आपको एडवांस में देने की बात हुई थी। बेबे अब तो पूरा मंडप भी तैयार है, अब तो दे दो बेबे पैसे। हाँ तेरी तैयारी मुझे पहले चेक कर लेने दे, ले यहाँ कनात लगाई नहीं, नंगी रहेगी दीवार सारी है, और इतना ढीला काट। बेबे तुम भी ना, अरे यहाँ कोई कपड़ा लगा यार, लो फूड हो गया, अब तो ठीक है, अब दे दो पैसे मैनू। हाय हाय कितना बेसब्र है तू, भागे नहीं जा रही तेरे पैसे लेके मैं कहीं पे। अरे बेबे आपने नहीं भागना, बेबे मैंने भागना है। बेबे रोज दी लेबर है, बेबे रोज पैसे देने पड़ते हैं, अब तो कल ही आएंगे मंडा फटाने वास्ते। तो तू पैसे भी कल ही आके ले जाना है, वो वैसे भी हफड़ा तफड़ी में किया गया लेन देन शुभ नहीं होता जरा भी, और मैंने तो अभी अम्बे माता को लड्डू भी नहीं चढ़ाए। तू कल आके ले जाना पैसे सुख शांति से। शांति? अरे बेबे पर मैं लेबर हूँ क्या जवाब दूंगा? अरे यार क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो सारे काम खत्म हो गए ना, चलो ना। अबे चलते हैं ना। फोन छोड़ो ना, चलो। अरे बड़े भैया का फोन है। हाँ जी भैया। तू यार एक काम कर, जल्दी से यहाँ पे 3,000 रुपए लेके आ जा, बहुत अर्जेंट है। भैया मैं तो अभी तक यहाँ से गया नहीं, तो पैसे कहाँ से लाऊं? क्या तू अभी तक यही है, यहाँ क्या कर रहे तू? पहली डेट भैया उस हेलोजन वाली के साथ, हेलोजन लाइट की पेमेंट आपके टेंट चुकाने के बदले। एक तो इस बुढ़िया ने मेरा जीना आराम करके रख दिया, ऊपर से रवि को लड़कियों के साथ घूमने की पड़ी हुई है। देखा भैया, गधा मजदूरी मैं करता हूँ आपके साथ, और सारी मलाई लेके जाते हैं रवि भैया। अब तो सारे काम हो गए ना, अब चलो। तू इतना तैयार किया है फिर भी इसको तसल्ली नहीं है, तू करना पड़े। अगर कर क्या झुंड बना के खड़ी हो यहाँ पे, लक्षणों से तो लग रहा है जैसे लड़कों की फौज आने वाली है यहाँ। नहीं दादी, हम लोग तो तनुषी का वेट कर रहे थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मतलब आज से आपकी हाफ छोटी बहू हो जाएगी ना? चुप चुप बोल, मुझे हाफ नहीं फुल प्रूफ बहू चाहिए। दादी फुल फ्लेजेड आहो हे। दादी आज एंगेजमेंट में हाफ और शादी में फुल। चुप, जब देखो जहाँ देखो खड़ी होके खिड़खिड़ खिड़खिड़ खिड़ जाके मंदिर की सजावट देख। जी दादी। और तू जाके स्टोर से पीतल की थाली लेकर आ। जी चल। We'll be right back.
रमेश है। मैं यहां से जाती हूं। लड़की हो यार तुम, चुप चुप के देख रही थी, शर्म नहीं आती तुमको? Listen, मैं कुछ देख नहीं रही थी, मैं बस यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। झूठ, तुम मुझे ही देख रही थी, मजा आ रहा था तुमको। अच्छा ये तो बताओ कि तुम इस लड़की हो या फिर कोई बाराती? ओ, तो अब तुम ये भी नहीं बताओगी? Jealous, right? कहीं तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं बकवास बंद करो, ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। ग्रेट, सेम हियर, मुझे भी कुछ शौक नहीं तुमसे बात करने का, और वैसे भी मैं किसी भी लड़की के साथ 3 बार से ज्यादा डेट नहीं मारता, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी पहली डेट तुम्हारे साथ ऐसी हालत में हो। तो खड़ी क्यों, जाओ ना। यू जस्ट शट अप, ओके? और मैं क्यों जाऊँ, ये घर मेरा है, जाओगे तुम यहाँ से। ये भी सही है, वैसे भी मेरी लाइफ की लाइट दीपा तो यहाँ रही नहीं, तो फिर मेरा यहाँ पे रुकने का क्या फायदा। चलता हूँ। अच्छा सुनो ना, मेरी शर्ट तो पकड़ो वहां से जरा। उसका चेहरा देख लेता तो नेक्स्ट टाइम देखते ही सीधे यू टर्न ले लेता। पता नहीं किस तरह की लड़की थी, सरप्राइज, ऐसी इंटीग लड़कियां आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, एक मिनट यार, अच्छा हुआ तू आ गया। तू एक काम कर, अभी के अभी घर जा और घर से पैसे ले गया। अरे यार लेबर लोगों ने मेरी जान ले ली है, हल्ला मचा देंगे ये लोग। अरे घर जाऊंगा, वापस आऊंगा, पता नहीं कितना टाइम रहेगा। आपने इनके लिए काम किया, इनसे को नहीं पैसे मांगते? तो मैं और क्या कर रहा था इतनी देर से, पर वो बुढ़िया है ना। कहाँ है वो बुढ़िया? अरे मेरी मेरी बात सुन मेरे भाई, तू एक बात बता, तू उस बुढ़िया के साथ भी डेट फिक्स करेगा क्या? अबे वो बुढ़िया दिमाग से पैदल है, बहुत बड़ी अड़ियल है वो बुढ़िया। तो क्या हो गया, अकल ठिकाने पे ले आते हैं, तुमको लाइन पे आ जाएगी वो बुढ़िया। मैं जाने कैसे कैसे बहाना बनाती रहती है यार पैसे ना देने के। मुझे तो इस घर की हर औरत एकदम अजीब दास्तान लगती है। मैं भी एग्री करता हूँ भैया आपकी इस बात से, मुझे भी ऐसे ही लड़की टकराई थी स्टोर रूम में, वो ना हो वो भी इसी घर की लगती है मुझे। कोशिश तो बहुत की टच करने की उसने, पर बात ऐसे कर दी ऐसे पता नहीं कितनी शरीफ हो। तो स्टोर रूम में क्या कर रहा था? एग्जैक्टली मैंने किया किया था, तो इतना बड़ा धक्का खड़ा कर दिया उसने। तू ये सब छोड़, तू एक काम कर, अभी घर जा, घर से पैसे लेके जल्दी जा यार। पता नहीं अंधेरे में कहां से आई कहां गई। ये काम ढंग से नहीं होता है इससे। दादी इतने अच्छी लीजिए था तो सर पे रखेगी मेरे, जाके शगन का सामान डाल, मेहमान आते ही होंगे। अरे मेहमान आ गए। आओ जी आया नू, रेखा जल्दी तेल ले क्या पुत्र। हाँ जी बीजी। आओ जी जी आया नू। संजय बस बस पुत्र जिंदे रहो खुश रहो। सारे गिफ्ट्स ले जाके मेरे कमरे में रखो, देखे तो सही लाए क्या है। ये तोहफे देख के ही इनकी असली औकात का पता चलना है। अगर हमारी हैसियत से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ना तो उनको बता दूंगी, ताकि अपनी गलती सुधार लें, वरना सगाई और शादी के बीच में पता नहीं कितनी कटौतियाँ करेंगे ये लोग। मुझे पता है, मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे अभी भी यकीन हो रहा है कि मेरे भाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है, और शादी के बाद तो मेरे घर में रहेगी। बड़ा मजा आएगा ना, कहाँ जाने का, बाहर मिला करते थे और अब दिन रात एक दूसरे के सामने। हाँ
और दिन का सारा काम फटाफट निपटा के पूरा दिन सिर्फ बातें क्या करेंगे और रात को छत पे जाके खूब सारी मस्ती। और उसी छत से अजय भैया तुझे धक्का भी दे देंगे। क्यों, मुझे क्यों धक्का देंगे? क्योंकि यार तनु अभी तेरे लिए नहीं अजय भैया के साथ रहने आ रही है। सही बोला ना अभी। हेलो, अरे कहाँ रह गए थे? पानी पिला। आजकल सोसाइटी वाली कोई गाल नहीं रही। क्यों जी, ऐसे क्या बात हो गई? कुछ नहीं, वो घर लौट रहा था तो रास्ते में देखा एक मुंडा कुड़ी के नाल छेड़छाड़ कर रहे। सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं जैसे कोई सिनेमा में पिक्चर चल रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस लड़की को कोई बचा ले। मैंने जाके उसकी थाने में कंप्लेंट की। बट्टा आया, एमएलए का बेटा होगा तो अपने घर में होगा। तुझे कितनी बार समझाऊं कि दूसरों के मामले में मत पड़ा करो। कैसे ना पड़ूं, मेरी भी तो दो बेटियां हैं ना मां। कल को कोई भी उनके साथ कुछ भी गलत करके निकल जाएगा, मैं वहां खड़ा होकर तमाशा देखता रहूंगा। आप भी तो अपनी बेटी इस घर में दे रहे हैं ना, तो कल को उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है ना। और हाँ देविका, तू भी ना बाहर जरा संभल कर रहना, ये बदमाश लड़के कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इनका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी बाद में ना बदनामी लड़की की होती है। बेजी, ये सारे मिठाई दे दे, रख दे। हाय हाय, वो कैसी लोकल सी दे दी है। क्या हो गया बेजी, कुछ गलत दे दिया? ये देख, मुझे तो ना इन लोगों की चॉइस ही नहीं समझ आई। ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज बाजार से खरीद के ले आए हैं। एक भी ना ढंग की वाईफाई चीज नहीं है। बीजी हाईफाई? आहो हो, ज्यादा अंग्रेजी चाड़ने की लोड़ नहीं है, मुझे बता रही है। और ये देख, ये कैसी लगी तुझे? पकड़ देख बीजी, अच्छी है, अच्छी है। कर दी ना अपने मैके की औकात वाली बात है। वो ये भी कोई देने की चीज है? वो भाई कार, एफडी, फ्लैट तो पंजाबियों में आजकल आम की बात है। वो थोड़ा ऊपर की सोच लेते हैं, वो एरोप्लेन दे देते मुंडे को। पर बीजी, एरोप्लेन के लिए आप फिर एयरपोर्ट कहाँ बनाती? ज्यादा नहीं चलने लगी तेरी जुबान कुछ आजकल है? जा जाके बाकी के गिफ्ट लेके आ, मैंने लिस्ट बनानी है किसने क्या दिया है। अच्छे हुए रखूंगी जो है, भी बेकार से है ना, चुका दूंगा मैं रिटर्न गिफ्ट में। जाएगी? आहो बीजी, खड़ी रहेगी मेरे सिर पे ही। चल हम दे ना इससे मिलो। तनुषी मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी होने वाली भाभी भी, इसे भी आशीर्वाद दे दो ना कि मेरी तरह ये भी आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। सच में देविका, अंबे माँ के साथ तेरा ये जो रिश्ता है ना, किसी का भी नहीं देखा मैंने, एकदम अलग, बिल्कुल माँ बेटी जैसा। नहीं नहीं, दो बहनों जैसा, दो फ्रेंड्स जैसा, एकदम अलग और एकदम खूबसूरत। तुझे पता है माँ के जाने के बाद एक यही तो है जिन्होंने हर मुश्किल से हमेशा मुझे बचाया। चाहे मेरी कोई भी बात हो ना, इनसे कभी नहीं छुपाती। How boring! सारे के सारे oldies, मेरे जैसे एक hot desirable लड़का, कोई लड़की नहीं है क्या यहाँ पे मेरी जैसी dashing personality से impress हो जाए? आपकी कोई cousin शज़न नहीं है क्या? है ना, बस आती होगी। wow. कब आएगी, कब आएगी? इतना excited मत हो, पूरा टाइम ना मेरी नजर तुझ पर ही रहने वाली है। रुक जा, अभी बुलाता हूँ दादी को और कहता हूँ तेरे पर नजर रखने। और वैसे भी ना शादी ब्याह में सबकी नजर लड़कियों पर ही होती है। तू हर बात में दादी को क्यों बीच में लाता है? तो तू इनके कजन मेरे बीच क्यों आ रही है? मैं कोई बीच में नहीं आई, तू जानता भी नहीं है। तू जान पहचान हो जाएगी। हाँ मेरी कजन आने वाली है, पर लेट मी क्लियर वन थिंग, वो ना ऑलरेडी शादीशुदा है। यार होने में 10 घंटे लगते हैं तेरे को। चलो भाई, मंगनी का टाइम हो रहा है। ठीक है ठीक है, चलो अभी जल्दी। इस लड़की को सब इस तरह क्यों देखता है? दफा करो उसे, आज के शुभ दिन तो ऐसी मनहूस की परछाई से भी बच के रहना चाहिए। चलो सब
ऐसा कोई इतनी हड़बड़ी मचा कर रखी हुई थी, कहाँ गए विकास भैया? विकास भी अजीब है, पता नहीं कहाँ चले गए।